और सामने आ गया रेस्ट्रो, तो ये भी अपना ही रेस्ट्रो है। इधर छोटा टाइनी बीच है बट बहुत फेमस हो चुका है भाई आज की डेट में ये, तो आज सुबह सुबह इधर का चक्कर लगाया हमने। पत्थर थोड़ा सा ये होता है, हाँ हाँ आ गया ऊपर रोड आ गया। तो जी अपना अक्षु मिल गया वापिस, सो गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू चैनल एंड होप करते हैं सब बढ़िया होंगे। तो भाई आज का जो वीडियो होने वाला है, आज का वीडियो होने वाला है बटरफ्लाई बीच की तरफ से। आज जा रहे हैं बटरफ्लाई बीच, सुबह के टाइम हो रहे हैं 6:30, 6:15, अभी 6:15 ही हुए हैं, तो 6:30 बजे निकल रहे हैं बिल्कुल सुबह सुबह, और अकेले नहीं है, तो आज पूरी अपनी फैमिली साथ में है, जो अपने भाऊ हैं यहाँ पे उनके भी घर से वो भी जा रहे हैं, तो सारे लोग जाएंगे, उनको भी बटरफ्लाई घुमा के लाते हैं और आपको भी घुमाते हैं साथ के साथ में। तो चलो शुरू करते हैं आज का व्लॉग अपना, और आज चलेंगे कार से अपनी। ये आ गई मोनिका, पानी ले लिया, तो बटरफ्लाई जा रहे हो ना, पानी उनी ये लेके जाया करो, वैसे मिलता है उधर, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, मिल जाता है, हाँ अभी कुछ खुला नहीं होगा, अभी 6:30 हुए हैं बस। उधर कर दिए गाड़ी पार्क, अब अपन करेंगे ट्रैक 20 मिनट्स। तो अभी रास्ता बहुत अच्छा हो गया है ये, पहले यहाँ पे बहुत पानी रहता था, यहाँ पे सारे में पानी क्रॉसिंग होती थी, तो बारिश जैसी होंगी फिर से स्टार्ट हो जाएगी। हाँ हाँ ये पूरा नाला है, तो अभी तो आप आराम से मतलब स्कूटर से जा रहे हो तो आराम से जा सकते हो लेके अंदर तक, ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है, वही छोटा मोटा कच्चा रास्ता है बस। तो भाऊ बता रहे हैं अपने साथ हैं साबा भाऊ जी, वो बोल रहे हैं कि इधर पूरे में खेती होता था, आज की डेट में कुछ भी नहीं बचा, खेती कोई करना ही नहीं चाहता अब, सब पूरा ये हो गया है। हाँ बस काजू के झाड़ हैं, ये देखो चिड़िया अच्छी है। तो जी ऑलमोस्ट पहुंचने वाले हैं हम बटरफ्लाई बीच, और सामने आ गया रेस्ट्रो, तो ये भी अपना ही रेस्ट्रो है इधर। यहाँ का मैं वीडियो बना के गया था, देखो यहाँ तक भी गाड़ी आई हुई है, बताओ अंदर तक, ये देखो इधर रुकने का भी हो जाता है, अगर नाइट वाइट स्टे करना है तो यहाँ पे टेंट वेंट देते हैं, ये आराम से आप स्टे कर सकते हो नाइट में। इधर से जाता है भाऊ वो सामने से नाला, हाँ और ये जो वायर लगा हुआ है ये सब अपना संभाजी भाऊ का है। तो जी ये पहुँच गए एंड में बिल्कुल, अब यहाँ से जो रास्ता है ये पतला वाला है, ये जो रेस्ट्रो है यहाँ पे आप खा पी सकते हो, ये अपना ही है, कोई भी दिक्कत नहीं है। इधर तो ये अपने संभाजी भाऊ में एक उनका है, जो अपने साथ गए थे मुर्डेश्वर, बाकी अपने साथ साबा भाऊ हैं और उनकी फैमिली है, भाभी जी हैं साथ में, मोनिका है, वो लोग पीछे, हाँ बताया मैंने मोनिका भी है साथ में। ये जी एंड में पहुंच गए बिल्कुल, और अभी बस बटरफ्लाई बीच पहुंचने वाले हैं, बाकी इधर खूबसूरती अलग ही है इधर की। बोलते जो मसाला भी पिस के मत करते, अरे आराम से तो गड्ढा है, आगे ऊंचा है नीचे है, आराम से आना। हाँ थोड़ा सा ये बस यहाँ पे ज्यादा रोकी है, सुबह ही काफी लोग आने लगते हैं, देखो तो जी पहुंच गए बटरफ्लाई बीच अपन। तो जी ये पहुंच गए अपन बटरफ्लाई बीच, ये देखो अभी रात करी है, यहाँ पे लोगों ने कैंपिंग, इधर ये टेंट दिख रहे होंगे आपको दो लगे हुए, तो यहाँ पे कैंपिंग वगैरह भी काफ़ी चलती रहती है, और ये है अपना इस तरह का कुछ बटरफ्लाई बीच। थोड़ी गर्मी है अभी, गर्मियों में थोड़ा सा हरा भरा कम हो गया है, ये पेड़ वेड़ सूख गए हैं,
बारिश आएंगी तो दोबारा से ऐसी हो जाएंगे दोबारा से, जैसे पहले ग्रीन रहते थे ना उसी तरह से। ये सेप है सीम सामने का। टाइम लग जाता है 20 मिनट ऑलमोस्ट ट्रैकिंग करके आए हम लोग इधर। तो जी उनको घूमने देते हैं, अपन चलते हैं, थोड़ी देर ऊपर बैठेंगे एंजॉय करेंगे। ये है और ऊपर से आपको थोड़ा व्यू दिखाते हैं कैसा दिखता है। अभी यहाँ पे ग्रीनरी थोड़ी कम लग रही है, बारिशों में आओगे या फिर उसके बाद में तो बहुत ग्रीन होता है ये चारों तरफ। जो अभी सूखा सूखा दिख रहा है ना, ये पूरा ग्रीन हो जाता है। ये जी पहुँच गए। यहाँ से ये है सीन कुछ ऐसा, और ये पूरा इधर बीच हो गया पीछे का, छोटा टाइनी बीच है बट बहुत फेमस हो चुका है भाई आज की डेट में ये। तो आज सुबह सुबह इधर का चक्कर लगाया हमने। लास्ट टाइम हम इधर ऊपर भी गए थे, ऊपर आप उस पत्थर पे जा सकते हो। लास्ट टाइम गया था, इस बार जाने का मूड नहीं हो रहा भाई। अभी आएंगे दोबारा आएंगे बारिश हो फिर से फुल एंजॉय करने के लिए इधर। अभी एक दिन इधर पार्टी भी रखनी है अभी। तो जी अभी निकलते हैं वापस, काफ़ी देर घूम फिर लिए, बहुत सारे फ़ोटो खींच लिए यहाँ पे, और अभी चलते हैं फिर से थोड़ा ये ट्रैक करेंगे। बाकी बीच बीच में आपको दिखाते हुए बताते हुए चलते रहेंगे इधर का। यहाँ पे एक अलग ही साउंड आता रहता है पीछे से, ये पक्षियों का, कभी चिड़ियों का, कभी किसी का। ये हमने ले लिया शॉर्टकट इस बार आते हुए। नहीं याद मुझे भी नहीं है, बस चल रहा हूँ। नहीं नहीं है, रास्ता है, जाते हैं लोग आगे तक है। तो बीच बीच में यहाँ पे ऐसे शॉर्टकट आपको मिलते हैं, आप पैदल हो तो आराम से उन पर जा सकते हो। हाँ इधर स्कूटर नहीं है, बस पैदल ही है, स्कूटर गाड़ी कुछ नहीं जाएगी। ये देखो इधर भी ये प्रॉपर्टीज है ना सब। हाँ ये दीवार लगी हुई है ना पत्थर की, उसके आगे फॉरेस्ट का है सारा। तो भाऊ को सारी जानकारी है इधर किसका खेत है क्या नहीं है, कहाँ फॉरेस्ट है कहाँ नहीं। हाँ ये पूरा ऐसे ही पतला रास्ता है इधर से भी। तितलियां हैं भाऊ बतेरी इधर, बारिशों में इधर पानी होगा। हाँ हाँ आ गया ऊपर, रोड आ गया। हाँ कम हो जाता है थोड़ा आना संभल के। हाँ ये देखो भाऊ चिड़िया। तो भाऊ बहुत टाइम के बाद गए होगे आप आज बटरफ्लाई बीच ना, कितने साल हो गए होंगे? 7-8 साल में बताओ। यहाँ पे गोवा में रहते हुए ये गोवा में कम घूमते हैं, बीच में भी इतने इतने टाइम में जाते हैं। हमारा ये हो गया ना, कुछ नहीं लग रहा ना हम गांव वालों को। और लोग कहाँ कहाँ से आते हैं आपको पता है? मेहमान लोग आए तो उनके साथ ही जाता है। बटरफ्लाई देखने के लिए लोग कहाँ कहाँ से आते हैं, और जो गाँव वाले उनको जाने का होता भी नहीं है। ये जी पहुँच गए एंड में बिल्कुल यहाँ पे। गर्मी अच्छी हो रखी है, पसीने आ गए और थोड़ा ट्रैक करा, बाकी सब लोगों को छोड़ दिया अभी घर। तो अपन चलते हैं अब मार्केट के काम करके आते हैं, और प्लस अक्षु को भी लेकर आता हूँ क्योंकि वो उधर ही है। तो मार्केट के जो भी सामान है वो लेकर आते हैं पहले, छोटे मोटे। आज सुबह सुबह 6:30 बजे उठ के अच्छा लग रहा है अभी, थोड़ा मतलब फ्रेशनेस लग रही है एकदम। गर्मी है थोड़ी, पसीने आ रहे हैं आज। कल मौसम अच्छा होता, शाम में बड़ी अच्छी हवा चल रही थी, लेकिन आज सुबह से ही अच्छी वाली ह्यूमिडिटी हो रखी है। तो जी अपना अक्षु मिल गया वापस, मिल गया वापस। हाँ कल छोड़ के गया था ना, तो अभी आ गया है साथ में। आए थे। हाँ तो इसने खूब एंजॉय किया, कह रहा रात 3 बजे तक बातें कर रहा था मैं दोस्त के साथ में ही। तो अभी लेते हैं सामान वगैरह बाकी, और फिर चलेंगे अपन वापस घर, चलते हैं। तो भाई मजा आया तुझे? हाँ खूब। हाँ पर अब नींद आ रही है। नींद आ रही है कह रहा है।
ऐसे ही होता है जब दोस्तों के साथ में बैठते हैं ना तो नींद नहीं आती उस टाइम। और ऐसी बातों में पता नहीं चलता कब टाइम निकल गया। सारे काम हो गए, अभी चलते हैं वापस। और डीजल भी डलवाया थोड़ा सा, ज्यादा नहीं डलवाया। क्या हुआ, ये कैसे बंद हुआ? तो जी रात हमने बनाया था घर पे पनीर टिक्का, क्योंकि अक्षु नहीं था इसलिए हमने पनीर टिक्का बनाया। कैसा लगा? अब ये बंद हो गया। हाँ ये होता है कभी कभी, और वो हिल रहा है। ये पतले वाले रास्ते से निकल रहे हैं जो सीधा हाईवे से आता है। अक्षु ना चिढ़ जाता है इसके पीछे अगर हम पनीर टिक्का खा लें तो, क्योंकि इसका फेवरेट है पनीर टिक्का। सो गाइस ये हो गई सुबह सुबह की अपनी एक्टिविटी। आज काफी पैदल चल लिए, काफी दूर घूम के आ गए, बहुत सारी चीजें देख ली सुबह सुबह में ही आज जल्दी उठ के। एंड इसको भी लेके आ गया अब घर, तो चलते हैं अब। एंड उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करना, कमेंट करके बताना, सब्सक्राइब करना चैनल अगर नहीं किया है। अब करते हैं भाई डे की एक्टिविटी स्टार्ट। ये तो मॉर्निंग की एक्टिविटीज थी अभी तक की इतनी, अब दिन दिखाते हैं कैसा है आज का। आज पार्टी करने का प्लान है तो अगले वाले व्लॉग में आपको देखने को मिलेगी पार्टी।